हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मेरे बहुत सारे व्यूअर ने यह जानना चाहा है कि इंडियन रेलवेज में असिस्टेंट लोको पायलट के प्रमोशन का क्या क्रम है, मतलब कि ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक वह कहां से कहां तक जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट के प्रमोशन के क्रम को समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, लोको पायलट इंडियन रेलवेज में ट्रेनों के संचालन में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके अंतर्गत मालगाड़ी, विभागीय गाड़ी, पैसेंजर गाड़ी, प्रीमियम ट्रेन और यार्ड संटिंग जैसे कार्य शामिल हैं। इसीलिए इन्हें रेलवे में शामिल होने से लेकर लगभग रिटायरमेंट तक कई प्रकार के तकनीकी एवं सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें यात्रियों और सामान को सुरक्षित तरीके से सही समय पर सेवा प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सके। दोस्तों, यही रीजन है कि रेलवे में डायरेक्ट लोको पायलट की सीधी भर्ती नहीं की जाती, उन्हें पहले असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में नियुक्ति दी जाती है, जिसमें उनके अनुभव और जानकारी में इम्प्रूवमेंट होने के बाद लोको पायलट के पद पर नियुक्त किया जाता है। इस दौरान एक असिस्टेंट लोको पायलट की प्रमोशन को एक एक कर समझते हैं। दोस्तों, RRB द्वारा कंडक्ट किए गए सारी एग्जाम प्रक्रियाओं को क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती की जाती है। फिर उन्हें संबंधित रीजनल रेल प्रशिक्षण संस्थान में 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें लोकोमोटिव के सारे पार्ट के साथ साथ परिचालन संबंधी सुरक्षा नियमों को विस्तार पूर्वक बताया जाता है। फिर उनकी लिखित और मौखिक परीक्षा ली जाती है, जिसे पास होने के बाद उन्हें मालगाड़ी में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर पोस्टिंग दी जाती है। 1 साल या उससे अधिक वर्ष के अनुभव प्राप्त करने के बाद इनका पहला प्रमोशन सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर किया जाता है और यहीं पर इनकी वेतन की पहली वृद्धि भी होती है। सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट पैसेंजर ट्रेन में सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में काम करते हैं और एक्सप्रेस ट्रेनों में काम करने का एक्सपीरियंस लेते हैं। इसके कुछ समय बाद इन्हें ड्राइवर प्रमोशन कोर्स की ट्रेनिंग के लिए एक बार फिर से भेजा जाता है। ट्रेनिंग के बाद फिर से इनकी परीक्षा होती है, जिसे पास करने के बाद इन्हें लोको पायलट सेंटर के पद पर इनका प्रमोशन होता है। दोस्तों, लोको पायलट सेंटर के पद पर कार्य करने के कुछ समय के बाद इनकी मौखिक परीक्षा ली जाती है और दक्षता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। फिर उस डिवीजन में मालगाड़ी के लोको पायलट की जगह खाली होने के बाद इनकी नियुक्ति मालगाड़ी के लोको पायलट गुड्स के पद पर की जाती है, जिससे यह मेन लाइन पर मालगाड़ी, विभागीय गाड़ी और लाइट इंजन को चलाते हैं। दोस्तों, अधिकांश डिवीजनों में लोको पायलट गुड्स के तौर पर इनको अधिकतम कार्य करना पड़ता है, जिसमें इनको काफी अनुभव हो जाता है। फिर जगह खाली होने पर इनकी पुनः एक मौखिक परीक्षा होती है और प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। फिर इनकी अगली प्रमोशन लोको पायलट पैसेंजर के तौर पर होती है, जहां से यह पैसेंजर ट्रेनों के संचालन करने के हकदार हो जाते हैं। यह इनकी चौथी प्रमोशन होती है। दोस्तों, कुछ डिवीजनों में लोको पायलट गुड्स के बाद इनकी प्रमोशन मोटरमैन के पद पर किया जाता है, जो कि सब अर्बन ट्रेनों को चलाते हैं। दोस्तों, इनका लास्ट प्रमोशन लोको पायलट मेल के रूप में होती है, जो कि लोको पायलट के लिए सर्वोच्च पद है। यही लोको पायलट मेल राजधानी, शताब्दी, दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों को चलाते हैं। दोस्तों, इन्हीं में से कुछ टैलेंटेड लोको पायलट को उपयुक्त परीक्षा पास होने के बाद लोको निरीक्षक के पद पर प्रमोशन दिया जाता है। इसके अलावे प्रशिक्षण संस्थानों में लोको विषय की पढ़ाई के लिए लोको पायलट का एक डिपार्टमेंटल एग्जाम लेकर लोको ट्रेनर के पद पर प्रमोशन दिया जाता है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि एक रेल ड्राइवर अपनी सेवा के दौरान किन किन पदों से होकर गुजरते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।